आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सोमवार है, श्रावण का सोमवार का व्रत का दिन है। आज श्रावण चालू है तो कोई हर कोई व्रत नहीं करता, कोई ज्यादातर लोग करते हैं। श्रावण महीने का शिव जी का आराध्य महीना है। इस महीने में जो मन से या भक्ति से शिव जी का व्रत करते हैं उसे अच्छा फल मिलता है। तो मैंने आज व्रत रखा, तो उसके लिए मैं व्रत के लिए दो रेसिपी आपके पास शेयर करूंगी। तो चलिए फिर शेयर करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरा चैनल में जो जो देख रहे हैं, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर दिखाता हूँ साबुदाना का। पहला साबुदाना का बड़ा बना लूंगी। देखिए, ज्यादातर लोग जानते हैं साबुदाना का बड़ा बनाने, जो लोग नहीं जानते उन लोग के लिए, जो लोग जानते भी है मेरा रेसिपी देख लीजिए अगर अच्छा लगे तो। मैं आलू बॉईल करके लिया था, उसमें साबुदाना डाल दिया और सिंगदाना डाल, मतलब सिंगदाना को पीस लिया मैं, उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, टी स्पून डाल दिया। आप जैसे बनाओगे, जितना बनाओगे उसी हिसाब से आप कर लीजिए। बाद में हरी मिर्च डाल लिया मैंने, उसे छोटे छोटे काट करके लिया था, उसे भी डाल दिया। और यह किसा हुआ नारियल, इसे भी मैं डाल दिया। आपका अंदाज अनुसार आप डाल दीजिएगा। फिर थोड़ा सा धनिया पत्ता, नमक, भी आपका स्वाद अनुसार जितना चाहिए होगा उतना डालिए। फिर उसे मैश कर लेना एक साथ में, मिक्स कर लिया। फिर अभी उसको बड़ा बनाऊंगी। राउंड राउंड करके आप बड़ा बना लीजिए उसके। एक एक करके मैं सब बड़ा बना लूंगी। बन गया मेरा सब बड़ा, अभी मैं इसको फ्राई कर लूंगी। तो मैं कढ़ाई गरम करने दे दिया, फिर उसमें ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डाल दिया, ऑयल को गरम कर दूंगी। अभी गरम करने के बाद बड़ा सब तल लूंगी। अभी अभी धीरे धीरे मैं एक एक करके बड़ा देके उसे तल लूंगी, अच्छे से फ्राई कर लूंगी। धीरे धीरे मैं उसे फ्राई कर लूंगी। व्रत में कोई कोई फ्रूट्स लेता है, कोई कोई बिना कुछ लेके भी व्रत करता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है जो बिना कुछ खाए व्रत कर सकते, तो आप सिंपल कुछ तामझाम नहीं है, जस्ट दो चार इंग्रीडियंट से आपको बन जाएगा। अभी इसको गोल्डन फ्राई कर लूंगी मैं धीरे धीरे। बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग प्लीज ट्राई करके देखिए। पूरा सिंपल रेसिपी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, चार पांच चीज होगा तो बस हो गया। मैं क्या करके सब ट्राई कर लिया। अभी मैं जो ऑयल है, बचा हुआ ऑयल, उसी में मैं दूसरा रेसिपी भी बना लूंगी, साबुदाना का खिचड़ी। अगर आप उससे पहले मैं मैं दिखा नहीं, साबुदाना को भिगो के आधा घंटा भिगो के रख दीजिए, फिर उसका पानी निकाल के फिर रख दीजिए एक घंटा, फिर आपका साबुदाना पूरा खिला खिला हो जाएगा। ये मैं कढ़ाई में आलू मैं बारीक बारीक काट के रखा था, उसे आलू को डाल दिया। आलू को फ्राई कर लूंगी।
उसमें थोड़ा नमक डाल के अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी। हाँ ओके, बोल रही थी साबुदाना को भिगो के रख देने पे आधा घंटा, फिर पानी उसका निकाल के रख दीजिए, एक घंटा रख दीजिए, फिर देखिए पूरा आपका साबुदाना खिला खिला बनेगा, चिपकेगा भी नहीं। आप देख लीजिए मैं कितना अच्छा खिला खिला बना के दिखाता हूँ आपको। मैं हरी मिर्च डाल दिया इसमें, जो पिसा हुआ सिंगदाना था उसे में मैं डाल दूंगी 3-4 चम्मच। इसे अभी अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। अब पिसा हुआ सिंगदाने को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो अच्छा होगा। इसमें मैं नमक ऐड कर दिया, नमक में अच्छे से चलाना है, उसे अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है। देख लीजिए कितना सुंदर खिला खिला हुआ है, एकदम चिपकेगा नहीं। अभी थोड़ा सा भुने हुए सिंगदाना था उसे मैं डाल दिया। एकदम मस्त खिला खिला हुआ, देखिए एक भी चिपका नहीं। फिर मैं किसा हुआ नारियल को किस के रखा था, फिर उसमें ऐड कर दिया। देखिए कितना सुंदर बना है खिला खिला। अभी मैं इसे प्लेटिंग कर दूंगी, मेरा साबुदाना रेडी और बड़ा भी रेडी। ऊपर से थोड़ा किसा हुआ नारियल और धने पत्ते से गार्निशिंग कर लीजिए आप। ये क्या कितना सुंदर दिख रहा है, आप बस में भी खा सकते हैं, नाश्ता में भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए, और प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा